ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी विशिष्ट कार शैली के लिए जाने जाते हैं। साथ ही वे अक्सर ऐसी चीजें अपने भ्रमण करने के दौरान करने लगते हैं कि वे चर्चा में बने रहते हैं। साथ ही वे लोगों से हिलने मिलने के लिए काम में शामिल हो जाते हैं, जिससे उनका जुड़ाव आम लोगों से बना रहे। शनिवार सुबह भी ऐसा ही हुआ, जब ऊर्जा मंत्री किलागेट क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे, तब उन्हें वहां पर एक दुकान में गजक बनाने वाले कारीगर गजक बनाते हुए दिखे। ऊर्जा मंत्री तुरंत दुकान के अंदर चले गए और गजक कूट कर रहे कारीगरों के साथ लकड़ी का हथौड़ा लेकर गजक कूटने लगे। तकरीबन 5 मिनट तक उन्होंने गजक कूटी। इसके बाद कारीगरों से बातचीत की और वे दुकान से निकल गए। शनिवार सुबह करीब 6 बजे ऊर्जा मंत्री किलागेट क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन कामों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। निर्माणाधीन कार्यों को देखने के बाद वे घास मंडी में पहुंचे और वहां के लोगों से घर घर जाकर पूछा कि वे विकास कार्यों से खुश हैं या नहीं। काफी देर तक वे लोगों से वहां हो रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा करते रहे। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्री ने सेवा नगर सड़क बनने तक जूता व चप्पल ना पहनने का संकल्प ले रखा है, इसलिए उनका ध्यान निर्माण कार्यों पर ही रहता है, जिससे सड़क जल्द बन सके और वे जूता चप्पल पहन सके। निरीक्षण या लोगों से मिलने के दौरान ऊर्जा मंत्री कुछ ऐसा करते हैं कि उनके वीडियो वायरल हो जाते हैं। ऐसे में वे शहर में हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। ऐसा ही उन्होंने शनिवार को किया, जब उन्होंने एक दुकान में कारीगरों के साथ गजब कूटी।